वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी अपने मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। रविवार को जियो ने कहा कि 6 दिसंबर से मोबाइल टैरिफ 40% तक बढ़ जाएंगे। मोबाइल पर सस्ती कॉल और डेटा का दौर अब खत्म होने की ओर है। रविवार को वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की तरफ से नए टैरिफ प्लान्स लॉन्च करने के कुछ घंटों बाद ही रिलायंस जियो ने भी अपने मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। रिलायंस जियो ने कहा कि 6 दिसंबर से कंपनी अपने ऑल इन वन प्लान्स 40% तक महंगे कर देगी। साथ ही कहा कि नए प्लान के तहत ग्राहकों को 300% ज्यादा फायदे मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी ने दूसरे मोबाइल ऑपरेटरों पर की जाने वाली कॉल्स की सीमा निर्धारित कर दी है, जो अनलिमिटेड प्लान पर लागू होगी। इससे पहले रविवार को वोडाफोन आइडिया ने प्रीपेड सेवाओं के लिए 2, 28, 84 और 365 दिन वाले नए प्लान जारी किए। ये सभी प्लान्स पुराने प्लान से 40% से 50% तक महंगे हैं। वहीं एयरटेल का टैरिफ प्लान 50 पैसे से ₹2.85 प्रतिदिन तक महंगा हो गया है। कंपनी ने कहा कि नए प्लान पहले की तुलना में 42% तक महंगे होंगे। इसके अलावा कंपनी का अब सबसे सस्ता प्लान ₹49 का होगा। ये सभी टैरिफ प्लान्स 3 दिसंबर से देश भर में लागू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।